एवरीबडी वेलकम बैक टू द चैनल. मेरा नाम है सनी चौहान. आप देख रहे हैं स्केच बिल राइड एंड राइट नाउ आई एम हियर एट MMRT इन चेन्नई फॉर द TVS यंग मीडिया रेसर प्रोग्राम, जहाँ पे मेरे जैसे कुछ यंग मीडिया प्रोफेशनल्स को, क्रिएटर्स को जो है TVS इन्वाइट करता है, उनको ट्रेन करता है टू रेस इन अ 1 week चैंपियनशिप, जो कि सब मीडिया वालों के बीच में ही होती है, जो कि आई थिंक अगले महीने होने वाली है. बट फिलहाल आई एम ट्रेनिंग माई सेल्फ राइडिंग वन ऑफ दीज मोटरसाइकिल्स हेयर, एंड काफ़ी जो है बेसिक चीज़ें, थ्रॉटल कंट्रोल हो गया, ब्रेकिंग हो गई, एंड अदर थिंग्स लाइक से फॉर एग्जाम्पल आपकी कॉर्नर एंट्री कैसे होनी चाहिए, एग्जिट कैसी होनी चाहिए, एंड हाउ इज़ योर बॉडी पोजिशन ऑन द मोटरसाइकिल वैन यू आर राइडिंग इट थ्रू दोज कॉर्नर्स. ये सारी चीज़ें जो है एक एक करके सुबह से अब तक जो है सिखा दी गई है, एंड अब जो है हमें थोड़ा सा फ्री प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा, जहाँ पे बेसिकली विल बी गोइंग अराउंड द सर्किट राइडिंग दीज मोटरसाइकिल्स लैपिंग, एंड हमारा जो है टाइम जो है वो एक रिस्पॉन्डर जो है वो डिटेक्ट करेगा, चेक करेगा, एंड उसके बेसिस पे 12 लोग क्वालिफाई होंगे फॉर द ओवरऑल रेस जो कि अगले महीने होने वाली है. सो वेल, ये था एक जस्ट चैंपियनशिप का. फिलहाल कुछ शॉट्स इन्जॉय करो हमारे सुबह से अब तक के सेशन के. बहुत ही हेक्टिक था तो मैं ज़्यादा नहीं ले पाया, एंड मोटरसाइकिल भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में कि हाउ इज़ दिस डिफरेंट फ्रॉम द स्टॉक अपाची दैट आप जाके मार्केट में खरीदते हो. एंड एक्सपीरियंस वाइज इट्स बिन अमेजिंग. गर्मी काफ़ी है बट वेल, रेसिंग इज़ अ एंड्योरिंग स्पोर्ट, एंड येस लेट्स गेट बैक टू द मोटरसाइकिल्स. फिलहाल एक्चुअली थोड़ी सी भूख लगी है. आप शॉर्ट्स का इन्जॉय करो, मैं जरा लंच खाता हूँ, उसके बाद आपसे वार्तालाप करता हूँ. Alright, so I'm done with lunch here. So I thought why not give you a quick walk around of this motorcycle and actually tell you कि जो market में stock Apache आती है उसमें और इसमें difference क्या है. First and foremost जो main difference आता है वो ये आता है कि indicators, mirrors, lights, ये सारी चीज़ें, जितना भी weight save कर सकते हो, glass है वो पूरा का पूरा जो है निकाल दिया है motorcycle से. It's got a free flow full system exhaust here, no catcon, nothing. So you get all the performance out of the engine. It's got a braided brake line here for better braking performance. It's got worked on cams in the engine so the engine performs better. And well, that's actually one of the only differences in this motorcycle and the one you get in the market. Also, this one has the TVS Euro Grip tires. So well, this actually grips pretty well on the circuit. I mean, I've been riding it since now about 3 times. I rode 2 times in the CSS and now first time I'm riding here with TVS. And confidence wise, if I talk about it, well, it takes some time getting used to, especially for me because I ride a lot of big motorcycles. Uske baad ye thodi halki lagti hai, but once you are used to it, you have a ball of a time. So well, that is the main difference between the bike that you get in the market and the bike that you get here to race on the MMRT. The final qualifying. Ab hum time set karenge and fir dekhenge ki who the top pe lota aag laga dega track pe aag.
Alright, so done with the qualifying. Finally, now we just await the timings. Let's see कितना time आता है किसका publication का, दोस्तों का, लोगों का. गगन भाई जो यहाँ पे मस्त footage capture करके बैठे हैं. बाकी गगन भाई मजा आया? मज़ा तो आया है लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग और बहुत ही थकान बहुत हो जाती है. पता है यहाँ मेरे को यहाँ पे बहुत जोर पड़ता है. देखो गाड़ियों में और बाइक में यही फ़र्क है. ये देखो ये यहाँ पे लोग अश्लीलता का प्रदर्शन करते हुए. सैनिटाइजेशन इन प्रोग्रेस. Got this, Marco Simoncelli going to the washroom. Pradeep sir has the results there. Pradeep sir, thank you so much. It was a lot of fun waiting for the results. Were we good students? Yes, you guys are. Yeah? Are you impressed? Are you happy? I like everybody is so enthusiastic to learn more. And I just love when you guys share your stories. It's good to hear. And more stories to come in the national championship. Sure sir, thank you so much. Third position, Anis Sheikh. And second position, Zaran Modi. And the first position, Sunny. Alright guys, so ट्रैक से अब मैं आ चुका हूँ वापस अपने होटल. एंड ये एक्चुअली अगला दिन है. कल मैं आके थक के नहा के खा के सो गया था बिकॉज द ट्रैक डे वॉज इंटेंस. ट्रेनिंग हुई लेवल 1 की जिसके लिए एक सर्टिफिकेट मिला जो कि आप देख चुके हो. एंड उसके बाद लास्ट में जो हमारी टाइमिंग्स बताई गई एंड सिलेक्शन राउंड के फाइनल रिजल्ट बताए गए. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सब में से सिर्फ 12 लोग हैं जो सेलेक्ट होंगे एंड मैं फर्स्ट पे आया. सो वेल द रिजल्ट वॉज, मैं टाइम शीट डाल देता हूँ सामने. देखो टाइमिंग्स आप देख सकते हो. आई वॉज ऑन फर्स्ट, 2.21 वॉज माई टाइमिंग बेसिकली. एंड सेकेंड वॉज ज़ारान विद 2.25 एंड सो वॉज अनीश ऑन द थर्ड पोजिशन. एंड ओवरऑल जो एक्चुअली अगर मैं बताऊँ तो टाइमिंग वगैरह से ज़्यादा मुझे लोगों से मिलने में बहुत मज़ा आया. आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम लोग मिले देखने को, मिलने को, साथ में जो है कोई एक्टिविटी करने को एंड राइड करने को especially. So that was the best part about the whole program by TVS. So thank you TVS for having me. अब जो है basically main races होंगी जो कि December में होंगी. And उसके लिए जो है वापस चेन्नई आना पड़ेगा. दो race weekends होंगे कि एक होगा वो अभी तक नहीं पता है. Total races दो होंगी but वो एक ही weekend में होगी, दो weekend में होगी. उसकी details धीरे धीरे जैसे मैं पता चलेगी मैं आपको बता दूंगा. And overall the intense weekend was enjoyed, had a lot of fun. Yeah, so this was my race weekend here basically. पैंडमिक के टाइम पे भी अगर अपना पैशन अलाइव रखना है, अपना काम धंधा अलाइव रखना है तो कुछ रिस्क तो लेना पड़ेगा. एंड एज स्कैम में था रिस्क है तो इश्क है. और हमारा रिस्क और इश्क दोनों ही जो है मोटरसाइकिल से है. सो वेल आज की वीडियो वहीं खत्म करते हैं. मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार पीपल. राइड सेफ, ड्राइव सेफ, पार्टी सेफ. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. चाओ.